आगे की दांत टूट गया है। ताली मार दो, ताली मार दो जी, जोर से ताली मारो, ताली 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 बारे मेरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कल जो है हम जमालपुर आ गए थे व्लॉग शूट करने के लिए। यहाँ पे जो है दिसंतरा सेलिब्रेट किया गया था कल, तो शूट हो चुका है। तो आज जो है अभी टाइम 6:40 और अभी जो है घर के लिए जा रहे हैं। तो अभी पहुँचते हैं स्टेशन में और फिर चलते हैं घर। और आप लोग मतलब कल का व्लॉग नहीं देखे तो देख लेना, मतलब वो दिसंतरा का यहाँ पे जमालपुर वाला, तो काफ़ी मज़ा वाला व्लॉग है, तो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या फिर आई बटन में दे दूँगा। तो अभी चलते हैं, पहुँचते हैं स्टेशन में, बैठ चुके हैं ट्रेन में और अभी जो है चलते हैं। साथ में देख सकते हैं मंटू भाई आए हुए थे, तो ये भी जा रहे हैं साथ में, तो चलते हैं। अभी बढ़िया पुलिस स्टेशन में, तो अभी चलते हैं गाड़ी पकड़ते हैं। पहुंच गए गाइस खड़गपुर और अभी जो है यहाँ पे मतलब बिना ब्रश के छोला भटूरा खाने वाले हैं। देखो मंटू ले लिया है इधर भैया के पास, पहले भी मतलब बहुत दिन से खाए नहीं थे, तो आज आए तो फिर से खा रहे हैं। इधर मंटू लेके बैठा हुआ है, ये आ गया, खाते हैं और फिर चलते हैं घर। छोला भटूरा खा लिए और अभी जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी का, देखते हैं कौन सी गाड़ी आती है, उसके बाद चलते हैं घर। फाइनली गाइस ये बस आ चुकी है, ये रही, तो अब बैठ जाते हैं। इधर सुमन भाई पढ़ने के लिए आए थे, देखो भाई चढ़ रहे सारे, चलते हैं। वो भी हम जस्ट गाइस पहुंच चुके हैं, बट बैग वैग भी कुछ नहीं रखे, पता नहीं इधर क्या चल रहा है। उल्टा नहीं करना मुन्ना, ठीक है? ठीक है। ये बात सुनो, इसको मैं इसलिए पास में आप लोग को बुला लिया ना, ये खेल एक बार मैं भागलपुर में लगा दिया था। ये जादू हो रहा है। आदमी बहुत जुट गए थे, लेकिन मेरे खेल में एक औरत बहुत बड़ी जानकार जुट गई थी। वो औरत कुछ गुनी टाइप में थी, देख लिया बच्चे को रोते हुए ना, जमीन से माटी उठाया, कुछ गुण पढ़ के बच्चे पर डाल दिया, मेरा बच्चा कुछ ऊपर से नीचे गिर गया, 7 घंटा तक बेहोश हो गया था। ये लड़का भी आपके घर तक की बात बता देगा, क्या सोच रहे हैं आप, क्या करने वाले लड़का बता देगा। तनी सुनना भैया, एक मिनट और पूछे, नहीं बताओगे बताएंगे। अबू भैया को कैसे जानते हो? दाढ़ी बड़ी बड़ी है। एकदम भूखा करनी है जादूगर। दीदी लोग तो नहीं आ पा रही, फिर से बुला लो, दीदी लोग आ जाओ। हाँ करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, मंत्र कट रहा है, मंत्र कट रहा, धोखा हो रहा है। मुन्ना इधर आ, और पूछे, पूछो बाल्दी ने, मैं क्या चीज पूछ रहा हूँ। हाथ में चूड़ी भी ना, दोनों हाथ में सब कैठो चूड़ी, दीदी के चार है, कैठो दीदी, ताली मार। कैसे बता रहा है, कैसे जानते हो? आगे की दांत टूट गया है। ताली मार, ताली मार। सोनाक्षी दांत टूट गई। और पूछे, पूछो नहीं बताओगे, बताएंगे। गाड़ी में बाबू कई लोग जा रहे हैं, दो गाड़ी का नंबर बाबू बोलो, दो है। लड़के बोलो, जीरो है। खुद बोलो, 5 है। लास्ट नंबर सही बोलो, 7 है। काफी सही बात है, ताली मार दो। अब जल ये भैया को कैसे जान गए? हाथ मोबाइल पकड़े, कहते मेरे मोबाइल में टाइम क्या हो रहा है, बताएंगे। नहीं बता पाओगे, बता देंगे। लेना साला, ले लेना मोबाइल। बोलो क्या बज रहा है, इसको बंद करिए। बोला कुछ? बोला रोहित? नहीं भैया, बोले मर गया, मरा नहीं। ये देखो मैं ये डब्बा उठा लिया, ये रख दूंगा, बता देगा। ये बोलो, ये डब्बे के शक्ति से जो पहचान बताया, सही की गलत बताया? सही बता रहा है। हो गया है क्या, देख लो। ए बता दो, सही रहा। इस बैठ जाइए मुन्ना। हाँ। सास के बांधो, ये बच्चे को बांध, देखो चादर को छोड़ देना बाबू, चादर को छोड़ देना मुन्ना। ये देखो बाबू उड़ान बच्चे की, जय माँ। नहीं बाबा उड़ेगा, ताली बजेगा, जय देवी माँ। जाओ तो देखो बच्चा जमीन छोड़ दिया,
और जादू मंत्र होता है, जादू मंत्र होता है, अपने घर में जाकर देख लेना। अभी मैं जादू मंत्र दिखा दूंगा। ताली मारो पहले, ताली मारो जी, ताली मारो, बारे मत, ताली मारो बारे, बस रुक जा, रुक जा मुन्ना। सबको ऊपर वाला जुबान दिया, सब लोग बोलो उड़ाना सही हुआ कि गलत हुआ। नीचे मुन्ना लगम फुकाना तन के कह दो और पर उड़ा दो बाबू, बोलो कह दो और पर उड़ा दो, और उड़ा दो, और उड़ा दो, उड़ा दो, ताली मारो लगम भुलका जाओ। मेरा 20 रुपए का जादू हो गया यार, 20 रुपए की कला हो गई, 20 रुपए की बात बता देगा लड़का। जैसे आंख बंद सबका पहचान बताया ना, उसी तरह भी बात बता देगा। ताली मार दो, ताली मार दो, ताली मार दो जी, जोर से ताली मारो, ताली 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 ताली, बारे मेरा बारे मुन्ना। बस बाबू ज्यादा नहीं, नीचे आओ, नीचे आओ, भीड़ भाड़ नहीं है यार, इतना बिट 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 रे बिट रे बिट रे। अरे ये तार को छू दो, खत्म हो चुका है मैजिक शो, खत्म हो। देखते सारे लोग जा रहे हैं घर, तो हम भी चलते, कपड़े वगैरह खोलते, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। और दातुन वगैरह करते हैं, क्योंकि मतलब बिना दातुन का खाए थे वहाँ पे छोला भटूरा, तो अजीब सा लग रहा है मुँह। तो चलते हैं और ब्रश व्रश करके खाना वाना खाते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो गाइस अभी हम रेडियो के चल दिए बाका के साथ, तो बाका के साथ क्यों जा रहे वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, तो बने रहना ब्लॉग में कंटिन्यू। तो चलते हैं, पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे। देख सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है, देख सकते हैं ऐसा इधर गांव है। तो और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि मतलब उधर देख सकते हैं सुरेंद्र दा बैठा हुआ, जो बैठा हुआ इधर राइट में, तो उसी का मतलब लड़की देखने के लिए आए हुए, मतलब भाभी होने वाले भाभी, तो इधर यही गाँव है उसका। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, तो कुछ देर में चल जाएंगे गाँव, अंदर घुस जाएंगे, तो वेट करते हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह मिल चुका है, देख सकते हैं इधर नाश्ता, तो इधर देखते हैं सुरेंद्र दा मज़ा खा रहे हैं और बाकी लोग। तो फाइनली यार गाइस सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, देख लिए हैं जो मतलब भाभी होने वाली है, तो उसको भी देख लिए हैं और फोटो वोटो सारा चीज़ शूट कर लिए हैं। तो अब बाकी रह गया है सुरेंद्र दास से पूछना कि वो मतलब कैसे है, राजी है या नहीं, तैयार है या नहीं, तो वो घर जाके पूछेंगे। तो अभी चलते हैं घर, अभी सारे लोग चलने वाले हैं, गाड़ी आ चुकी है हम लोगों की, तो चलते हैं। कैसे भी मौज के घर, और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को जो यही पेंट करते हैं। और गाइस जिस लड़की को हम लोग देखने के लिए गए हुए थे मतलब होने वाली भाभी को, तो उसको को मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता था कि मतलब शादी से पहले उसका फेस जो है मैं रिवील करूँ, तो इस वजह से मैंने हाइड रखा। और गाइस अब जो है मतलब शादी के बाद जो है वो आगे बढ़ेगी भी या नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं, क्योंकि मतलब जिस लड़की को हम लोग देखने के लिए गए हुए थे वो हाइट में जो है भैया से काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो इसी वजह से जो है मतलब बात आगे शायद ना बढ़े। अगर शादी की बात आगे बढ़ जाती है तो डायरेक्ट आप लोगों को जो है फेस शादी के टाइम में जो है रिवील करवा दूंगा, तो देख लेना आप लोग, और देख लेना कितनी ज़्यादा छोटी है। वैसे फेस से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेस वो काफ़ी अच्छी है, तो बस हाइट में ही छोटी है, तो इसी वजह से मतलब मम्मी लोग जो है वो ना मतलब नाकार रही है। तो आप लोग देख लेना, फोटो में एंड में दे दूंगा, तो देख लेना वहाँ से कितनी ज़्यादा छोटी है भैया से, तो वो देख लेना। फिर भी मैं वहाँ पर जो है हाइट ही रखूँगा फेस को, बस देख लेना हाइट कितनी ज़्यादा छोटी है। तो इस ब्लॉग को जो ये पेन करते हैं, मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।